नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। पूरा देश गणतंत्र दिवस के रंग में रंगा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली समेत पूरे देश को हाई अलर्ट पे रखा है। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली से सटे नोएडा की, जहां सुरक्षा के लिहाज से क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है, खासकर भीड़ भाड़ वाले इलाके मॉल और मार्केट में खास सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। नोएडा पुलिस के एडिशनल DCP आशुतोष द्विवेदी ने खुद कमान संभाली है और नोएडा के सबसे व्यस्त अट्ठा मार्केट समेत सभी मॉल का बारीकी से जायजा लिया है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को देखते हुए इस वक्त नोएडा में पूरा हाई अलर्ट रखा गया है। मेरे साथ एडिशनल DCP आशुतोष द्विवेदी जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से सिक्योरिटी अलर्ट पे रखा गया है दिल्ली NCR को, दिल्ली में भी रखा गया और नोएडा में भी है, आप लोग चार कर रहे हैं, किस तरीके की प्रक्रिया अपना रहे हैं? ये 26 जनवरी के दशकत कोई आतंकी घटना ना हो सके या ऐसा कोई भी प्रिय वस्तु ना हो सके, कोई घटना ना हो सके जिससे गणतंत्र दिवस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े और कोई पैनिक क्रिएट हो। इसके मद्देनज़र जो भी भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं, हमारे मेट्रो हैं, मॉल्स हैं, इसमें AS चेक टीम, एंटी सबोटाज टीम जो हमारी है और डॉग स्क्वाड टीम, इनके साथ चेकिंग की जा रही है ताकि अगर कोई आपत्तिजनक वस्तु, विस्फोटक, ये सब कुछ लगाया गया तो उसे ट्रेस किया जा सके और कोई भी खतरा हो, कोई आशंका हो तो उसको निर्मूल किया जा सके। प्रिकॉशन के तौर पर क्या क्या चीज़ें आती है? ट्रैफिक का भी थोड़ा सा देखना पड़ता है, फिर उसके बाद सिक्योरिटी को भी देखता है, उसके लिए क्या क्या और इंतज़ाम अलग से किए गए हैं? ट्रैफिक की तो एडवाइजरी जारी हो चुकी है और आज जितने भी भारी वाहन हैं, कमर्शियल वाहन हैं, उनकी एंट्री बंद हो जाएगी। DCP ट्रैफिक सर द्वारा इसकी एडवाइजरी जारी की जा चुकी है, उसकी भी ड्यूटी लगा दी गई है। इसके अलावा जो बॉर्डर पे है वहाँ पे हमारी चेकिंग शुरू है, इसको और बढ़ाया जाएगा, शाम तक और अधिक किया जाएगा, रात के लिए खास तौर पे। और जो भी ऐसे स्थान हैं जहाँ पर कोई भी खतरा हो सकता है वहाँ पर लगातार चेकिंग जारी रहेगी। जो असामाजिक तत्व हैं जो रात में अमूमन नाइट आउट के लिए निकलते हैं, उनके लिए कोई संदेश इस तरीके की इस बार गणतंत्र दिवस पर ऐसा हाई सिक्योरिटी अलर्ट है इसलिए? हाँ, निश्चित तौर पे जो भी ऐसे लोग मिलेंगे, अगर वो संदिग्ध हैं तो उनसे पूछताछ की जाएगी, अगर वो अपराधी हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी और किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो सके, बहुत हर्षोल्लास से हम लोग इस पर्व को मना सके, इसके लिए हमारी पूरी तैयारियाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। साफ तौर पर है कि सिक्योरिटी के अलर्ट को देखते हुए नोएडा पुलिस पूरी तरीके से सिस्टम अलर्ट जरूर नजर आ रही है, पूरे डॉग स्क्वाड साथ में है, बॉम्ब स्क्वाड का भी टीम है मौजूद की गई है और दूसरी तरफ खुद पेट्रोलिंग एडिशनल DCP DCP ACP जितने भी आला अधिकारी हैं वो लोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा हमला इस वक्त वेव मॉल के अंदर है और वेव मॉल में चेकिंग के तौर पर, सिक्योरिटी अलर्ट के तौर पर यहाँ पर सारे इंतजाम को पुख्ता किया जा रहा है। तो सुरक्षा के मद्देनज़र एक एक चीज़ को बड़ी गहनता से तलाश की जा रही है। खुद एडिशनल DCP आशुतोष द्विवेदी के नेतृत्व में यहाँ पर पूरी टीम है, अमला है, आप देखेंगे कि हॉल के अंदर भी जाकर किस तरीके से एक एक डॉग स्क्वाड साथ में है और दूसरी तरफ पुलिस का पूरा अमला यहाँ पर मौजूद है। सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी से रिलेटेड यहाँ पर जितने भी और ऑफिसर्स हैं वो हैं, मॉल की जो सिक्योरिटी है वो मौजूद है और इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि गणतंत्र दिवस पर किसी भी ऐसी अनहोनी से बचने के लिए तुरंत कार्रवाई की जा सके, जिसको लेकर एडिशनल DCP समेत और जो अधिकारी हैं वो आ जाते हैं। सर, मॉल के अंदर भी इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा सुनिश्चित किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाता है कि अमूमन कुछ ऐसे बैग्स हैं या कुछ तरीके की चीज़ें हैं ऐसे जो मिलती हैं यहाँ पर? हाँ, इसीलिए चूंकि आज ये फर्स्ट शो है और भीड़ काफ़ी है तो इसलिए अभी इंटरवल के टाइम में कि इनको प्रॉब्लम भी ना रहे और हमारी सिक्योरिटी चेक भी हो जाए, हम BDS के साथ और डग स्क्वाड AS टीम के साथ से यहाँ पूरी चेक हमने अभी किया है और अन्य माल में अब हम जा रहे हैं यहाँ चेकिंग के लिए। रूटीन चेकअप के तौर पर 26 जनवरी को देखते हुए पूरा किया जाएगा, 26 जनवरी के दशकत ये पूरी चेकिंग हो रही है। जाहिर सी बात हो, आपको असुविधा ना हो इसलिए इंटरवल के टाइम पर ये पूरा जो है कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन साफ तौर पर है कि जिस तरीके से 26 जनवरी पर अलर्ट जारी किया गया, जिस तरीके से कहा जा सकता है कि जो थ्रेट्स थे उनको देखकर भी कई सारी चीज़ें
निकल के आई थी, जिसके लेकर नोएडा पुलिस खासा तत्पर इस बात को लेकर है कि सुरक्षा के मध्य किसी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिक्योरिटी एजेंसीज को अलर्ट पर रखा गया और दूसरी तरफ जितने भी मॉल्स की जो सिक्योरिटीज हैं, जो पर्सनल सिक्योरिटीज हैं, उनको पूरा ब्रीफ किया गया और ये बताने की कोशिश की गई कि आप किसी भी संदिग्ध की अगर कोई बात दिखती है आपको तो आप तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें, या आपको अगर इस तरीके की कोई चीज़ें मिलती हैं तो पुलिस को इन्फॉर्म करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली समेत पूरे देश में जिस तरीके से हाई अलर्ट रखा गया है गणतंत्र दिवस को देखते हुए, नोएडा में इस वक्त मौजूद है, जैसा कि आपको पहले दिखाया गया कि नोएडा के हर मॉल में, हर एरिया में, हर मार्केट में, जहां भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर खुद एडिशनल डीसीपी गश्त पर है और पूरे तरीके से चेकिंग कर रहे हैं। मेरे साथ आशुतोष द्विवेदी जी हैं। सर, अभी मेट्रो में आप लोग पहुँचे, किस तरीके का माहौल देखने को मिला, सिक्योरिटी के हिसाब से किस तरीके से देखने को मिला? अभी हम लोगों द्वारा मॉल चेक किया गया, तो उसके बाद हम लोग यहाँ मेट्रो पर आए हैं जहाँ हमारा एएस चेक टीम भी थी और डॉग स्क्वाड भी था, साथ में महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत हमारे साथ जो एंटी रोमियो टीम है उनकी प्रभारी भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। और अभी हमारे द्वारा मॉक ड्रिल के तौर पे एक प्राइवेट व्यक्ति को पिस्टल देके एंट्री कराने की कोशिश किया गया, लेकिन मेट्रो पे चेकिंग अच्छी थी और उसे अंदर नहीं जाने दिया गया, पकड़ लिया गया। तो यहाँ की चेकिंग काफ़ी अच्छी पाई गई, जिससे हम लोग संतुष्ट हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य भी यह है कि कोई भी गलत आदमी, कोई संदिग्ध आदमी या कोई अपराधी तत्व इनमें प्रवेश करके कोई ऐसा कार्य ना कर सके जिससे कोई सबोटाज हो सके और हमारे गणतंत्र दिवस पे कोई समस्या आ सके, उस पर्व पे कोई आप बाधा उत्पन्न हो। इसके अलावा जो बॉर्डर हैं उन पे चेकिंग चल रही है और वो चेकिंग लगातार चलती रहेगी। रात्रि 10 बजे के बाद से जो कमर्शियल वाहन हैं उनको बंद कर दिया जाएगा, सिर्फ प्राइवेट वाहन जाएंगे और वो भी चेक होने के पश्चात ही जा सकेंगे। महिला सुरक्षा की आपने बात की, खुद एंटी रोमियो स्क्वाड की हेड शिल्पा जी भी साथ में, आपको कहीं इस तरीके की चीज़ें नज़र आईं महिला सुरक्षा से लेकर, इस तरीके की कोई चूक या कुछ कमियां जिसके दिशा निर्देश दिए गए हों? नहीं, अभी कोई ऐसी कमी नहीं दिखाई दी और ये लोग रेगुलर यहाँ पे चेकिंग में रहते हैं, आज विशेष तौर पे चेकिंग में हैं। और ये लोग जब चेकिंग में निकलते हैं तो सबको ब्रीफ भी करते हैं, महिलाओं को भी, कि अगर कोई भी ऐसी समस्या आती है तो 1090 पे तत्काल कॉल करें और जो महिला हेल्पलाइन है उससे इनके पास कॉल आ जाती है, जानकारी हो जाती है, तत्काल उसे अटेंड किया जाता है। तो कुछ महिलाओं से बात भी की गई है और उन्होंने बताया कि पूर्णतया सुरक्षित महसूस कर रही हैं और किसी प्रकार को उनको समस्या यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही। मेट्रो में स्पेशली कुछ अरेंजमेंट, स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए हैं वुमेन सिक्योरिटी को लेकर? मेट्रो की अपनी सुरक्षा रहती है सीआईएसएफ की, उसके अलावा हमारी टीम जो बाहरी क्षेत्र है उसकी चेकिंग करती है, तो वहाँ महिला सुरक्षा को लेकर उनकी सीआईएसएफ की जो टीम है वो अपनी सुरक्षा करती रहती है, उनसे हमारा टाई अप बना रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पर जिस तरीके से एडिशनल डीसीपी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि नोएडा में खासकर जो बॉर्डर एरिया है पूरी तरीके से संज्ञान उसके चेकिंग की जा रही है, रात 10 बजे के बाद से जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनको बंद कर दिया जाएगा, महिला जो एंटी रोमियो स्क्वाड है उनको साथ में लेकर इस बार मॉल किया जा रहा है, गश्त की जा रही है, जिससे किसी तरीके की महिलाओं के साथ अगर कोई ऐसी घटना होती है तो उससे तुरंत निपटा जा सके। वीडियो एनालिस्ट वसीम अकरम के साथ सैयद मुबशिर, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, नोएडा।